हेलो एंड वेलकम टू फिज़िक्स एज। आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स JEE में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल कनेक्टेड इन सीरीज एंड एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम एक फेजर डायग्राम वाला ट्रायंगल डाल देते हैं। फेजर डायग्राम में होगा आर एडजेसेंट साइड होगा, ओमेगा एल ऑपोजिट साइड बनेगा और इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। इसको अगर हम कॉस फाई के लिए लिखते हैं तो बनेगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है आर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है जिसमें तीन इंडक्टर्स लगे हुए हैं जिसकी ईच इंडक्टर की वैल्यू है 3 हेनरी और हमको फाइंड करना है द इंडक्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम डायग्राम को रीअरेंज कर लेते हैं। अपेरेंटली ये डायग्राम में लगता है कि तीनों इंडक्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम उसको रीअरेंज करते हैं तो हमको पता चलेगा कि तीनों इंडक्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं और हम पैरेलल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/LP = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। वैल्यू सूट का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा 3/3 जिसका रिजल्ट मिलेगा हमको 1 हेनरी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन ए ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल आर 140 एंड इन द सेकेंडरी आर 280। इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 4 एम्पियर देन दैट इन द सेकेंडरी कॉइल इज। हमको यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल का करंट फाइंड करना है जिसके लिए हमें ट्रांसफार्मर रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रांसफार्मर रेशियो बनेगा करंट के लिए IS/IP = NP/NS। इसको फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर लेते हैं IS के लिए तो वो बनेगा NP/NS × IP। अगर हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो IS = 140/280 × 4 जिसका आंसर हमको मिलेगा 2 एम्पियर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन एन ऑसिलेटिंग LC सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन द एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। सॉल्यूशन के लिए हम एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर का इक्वेशन लिख लेते हैं E = Q² / 2C। अगर हम एनर्जी को हाफ कर देते हैं तो हम इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं E′ = Q′ / 2C। अब E' की वैल्यू होगी E/2 क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन कैपेसिटर एंड द इंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो वो हाफ हो जाएगी। सो अब इस इक्वेशन को अगर हम वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E/2 = Q′² / 2C। यहाँ पे अगर हम E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि है Q²/2C / Q²/2C। हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे Q' के लिए तो हमको मिलेगा Q′ = √Q²/2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा Q′ = Q²√2। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड सो एज टू। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है टू रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट जो कि करेक्ट आंसर है क्योंकि अगर हम उसको लैमिनेट करते हैं तो एडी करंट्स को घूमने का अंदर जगह नहीं मिलेगी जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर का कोर के अंदर हीटिंग नहीं होगा। बाकी की तीन ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं मेक इट लाइट वेट कोई मतलब नहीं है उसका, मेक इट रोबस्ट एंड स्ट्रांग वो ऑलरेडी आयरन से बना हुआ है तो स्ट्रांग ही होगा, इंक्रीज़ द सेकेंडरी वोल्टेज इसका भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए हमको सेकेंडरी के कॉइल्स इंक्रीज़ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय DC एमीटर बिकॉज। चारों ऑप्शंस को हम एनालाइज करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा ऑप्शन ए क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा गया है द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर द कंप्लीट साइकिल इन द AC इज 0। अगर हम बाकी के ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं AC चेंजेस डायरेक्शन उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे क्योंकि अगर AC है तो उसका डायरेक्शन चेंज होना ही है।
एसी कैनॉट पास थ्रू डीसी एमीटर, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है. डीसी एमीटर विल गेट डैमेज्ड. इट मे बी पॉसिबल दैट अगर एसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डीसी एमीटर डैमेज हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन एन LCR सीरीज AC सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कॉम्पोनेंट्स ऑफ द L, C एंड R इज 50 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन विल बी. आंसर के लिए, क्योंकि फेज डिफरेंस L और C के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई, तो जो नेट वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए L और C के बीच में इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर रेजोनेंस होगा तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से रिजल्ट मिलेगा हमको ज़ीरो. इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ए LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम C टू 2C फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड, द इंडक्टेंस शुड बी चेंज्ड फ्रॉम L टू. चारों ऑप्शंस को हम एनालाइज कर लेते हैं. सोल्यूशन के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 1/2 pi रूट LC. यहाँ पे FR है कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसी तरह से LC को भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि LC अगर LHS कांस्टेंट होगा तो भी RHS भी कांस्टेंट होना चाहिए. तो LC शुड बी इक्वल टू L'C'. अगर हम उसको इक्वेट करते हैं LC इक्वल्स L' इंटू 2C, इसका आंसर हमको मिलेगा L' इक्वल्स L/2. इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF इज π/2. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सर्किट. इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कॉम्पोनेंट ऐसा होगा जिसकी वजह से हमको π/2 का फेज डिफरेंस नहीं मिल सकता है. तो इसका आंसर है, फॉर द RL सर्किट हमारा जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, R, L, क्योंकि इसी एक ही कॉम्बिनेशन में हमको π/2 का डिफरेंस नहीं मिलेगा. इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ए सर्किट हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड एन इम्पीडेंस ऑफ 15 ओम, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी. पावर फैक्टर का इक्वेशन डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल है, जो कि है cos φ इक्वल्स R/Z. R की वैल्यू क्वेश्चन में 12 दी गई है और Z की वैल्यू 15 दी गई है, जिसके अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 0.8. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.8. वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.